वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडीए के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत सीखेंगे स्वर एवं उनकी मात्राओं का प्रयोग। ओके, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था हिंदी इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का पूरा लेआउट। आप जाइए, चैनल को विजिट करिए, वहां पर आपको मिलेगा हिंदी टाइपिंग नाम का एक सेक्शन जहां पर आपको हिंदी टाइपिंग से संबंधित सारी वीडियोज मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी कई सारी वीडियोज हैं, आप उनका भी फायदा उठा सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। टाइपिंग में हम स्वर एवं उनकी मात्राओं का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर माने जाते हैं और 33 व्यंजन। वैसे हिंदी में टोटल 52 अक्षर होते हैं लेकिन मूलतः 44 ही मानते हैं, वो खैर हिंदी ग्रामर की बात है। हम हिंदी टाइपिंग में देखते हैं कैसे मात्राओं का प्रयोग कर सकते हैं और स्वर का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। मेरा कंप्यूटर ऑन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी खुला है। मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूं ऑल्ट प्लस शिफ्ट से। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आ गया है। अब इससे पहले हमने ओरिएंटेशन तो देख लिया था पूरे इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड का, लेकिन स्वर का हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो फिंगर मैंने जैसे बताया था वैसे रखना है, मैंने रख लिया है ए एस डी एफ वाई लाइन पे। ए से शुरू करते हैं, मैं ए को प्रेस करता हूं, ए पर ओ आएगा, ए के ऊपर क्यू है, क्यू पर ओ आएगा, फिर ए के बगल में एस, एस पर ए है, एस के ऊपर डब्लू, डब्लू पे ए है, फिर एस के बगल में आता है डी। डी को विदाउट शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बनेगा हलंत और शिफ्ट के साथ छोटा आ, छोटा आ। डी के ऊपर आता है ई, बड़ा आ, ई पर बड़ा आ, फिर डी के बगल में आता है एफ, एफ पर छोटी ई, एफ के ऊपर आता है आर, आर पर बड़ी ई, फिर एफ के बगल में आता है जी, जी पर छोटा ऊ, जी के ऊपर आता है टी, टी पर बड़ा ऊ, एक और बचता है री, री बनता है इक्वल साइन पर। मैं इक्वल साइन प्रेस करता हूं, देखिए री इक्वल साइन पे। तो ये रहा स्वर का ओरिएंटेशन। अब हम शब्दों में इनका प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। ये मैं सारा डिलीट कर देता हूं। शब्दों में प्रयोग करने से पहले मैं एक दो चीज आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जब हमें स्वर को टाइप करना होगा यानी जब हम स्वरों को टाइप करेंगे तो शिफ्ट का प्रयोग करेंगे। यानी कि मान लीजिए मुझे ओ को स्वर के रूप में टाइप करना है तो जो ए वाली की है उसको मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा, देखिए ओ, ठीक है। और स्वर हम स्वतंत्र रूप से टाइप कर सकते हैं, यानी स्वर स्वतंत्र रूप से टाइप किए जा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ओ टाइप किया है तो मैं ओ पढ़ रहा हूं, ओ, ओ, मैं अप एंड डाउन एरो प्रेस कर रहा हूं, ओ, ठीक है। अब इसी को मैं डिलीट कर देता हूं। अब अगर मात्राएं हमें टाइप करनी होंगी तो हम विदाउट शिफ्ट यूज करेंगे कोई भी स्वर। एग्जाम्पल के लिए ओ, ओ को बिना शिफ्ट हम प्रेस करेंगे। अब लेकिन मात्राएं स्वतंत्र रूप से कभी टाइप नहीं होगी। देखिए मैं अप एंड डाउन एरो करता हूं, देखिए ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मात्राएं टाइप करने के लिए हमें व्यंजन का सहारा लेना पड़ेगा, व्यंजन के साथ मात्राएं टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी टाइपिंग के लिए। अब चलिए हम शब्दों में इनको प्रयोग करते हैं। छोटा आ से शुरू करूंगा मैं,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि छोटा आ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है? फिर भी हम छोटा आ से एक शब्द लिख लेते हैं, अनार। अनार हो गया, देखिए अनार, देखिए अनार पढ़ रहा है। लाइन जी, स्पेस, लाइन जी। अगला आता है बड़ा आ, तो पहले हम स्वर के रूप में बड़ा आ को टाइप करेंगे। मैं लिखता हूं आम, तो बड़ा आ बनता है ई वाले की पर, तो चूंकि मुझे स्वर टाइप करना है इसलिए मैं ई को शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा। बड़ा आ फिर मा, देखिए मा, आम, आम। लाइन जी, स्पेस, लाइन जी। अब मात्रा के रूप में मुझे बड़ा आ टाइप करना है, तो मैं लिखता हूं काम, पहले लिखा का, का पे बड़ा की मात्रा लगाना है, तो जो ई वाला की है उसको विदाउट शिफ्ट प्रेस करूंगा मैं। चिंदी आ, आ चिंदी म, देखिए काम, काम, देखिए लाइन जी, लाइन जी। काम पे बड़ा की मात्रा है, लाइन जी। अगला आता है छोटी ई, तो पहले स्वर के रूप में मैं इमली टाइप करता हूँ, चिंदी, चिंदी म, चिंदी ल, ला पे बड़ी की मात्रा, चिंदी, देखिए इमली, इमली, लाइन जी, लाइन जी। छोटी ई को हम मात्रा के रूप में टाइप करेंगे, मुझे लिखना है किरण, तो पहले मैंने लिखा लाइन जी, का, चिंदी, का पे छोटी ई की मात्रा, चिंदी, फिर रा, चिंदी, फिर अणा, चिंदी, किरण, किरण, देखिए लाइन जी, लाइन जी। अगला आता है बड़ी ई, स्वर के रूप में मैं टाइप करूंगा ईमान, पहले बड़ी ई, चिंदी, फिर माँ, चिंदी, माँ पे बड़ा की मात्रा, चिंदी, फिर ना, चिंदी, छाइस, देखिए ईमान, ईमान पढ़ रहा है, लाइन जी, छाइस, लाइन जी। अब इसी को मात्रा के रूप में मुझे लिखना है मीनार, माँ, चिंदी, माँ पे बड़ी की मात्रा, चिंदी, फिर ना, चिंदी, ना पे बड़ा की मात्रा, चिंदी, फिर रा, चिंदी, छाइस, मीनार, देखिए मीनार पढ़ रहा है, लाइन जी, छाइस, लाइन जी। अगला आता है छोटा उ, स्वर के रूप में मैं टाइप करूंगा उल्लू, पहले उ लिखा, चिंदी, फिर ला, चिंदी, चूंकि इसमें ला आधा है तो मैं यहाँ हलंत लगाऊंगा, चिंदी, हलंत, फिर पूरा ला, चिंदी, फिर बड़ा उ की मात्रा, चिंदी, उ, साइज, देखिए उल्लू, उल्लू, उल्लू हो गया, लाइन जी, साइज, लाइन जी। अब साइज, लाइन जी, मात्रा के रूप में छोटा उ लिखना है, तो मैं लिखूंगा पुलकित, पा लिखा, चिंदी, पा पे छोटा उ की मात्रा, चिंदी, फिर ला, चिंदी, फिर का, चिंदी, का पे छोटी की मात्रा, चिंदी, फिर ता, चिंदी, साइज, पुलकित, पुलकित, देखिए लाइन जी, साइज, लाइन जी। अगला आता है बड़ा उ, स्वर के रूप में मैं ऊन टाइप करूंगा, ऊन, बड़ा उ लिखा, चिंदी, फिर ना, चिंदी, साइज, देखिए ऊन, ऊन, लाइन जी, साइज, लाइन जी। अब मात्रा के रूप में मुझे टाइप करना है सूरत, सा लिखा, चिंदित, सा पे बड़ा उ की मात्रा, चिंदित, फिर रा, चिंदित, फिर ता, चिंदित, साइज, सूरत, सूरत, लाइन जी, साइज, लाइन जी। बड़ा उ हो गया। अब आता है हम री देख लेते हैं, री को स्वर के रूप में इक्वल साइन पे है तो मैं शिफ्ट के साथ इक्वल साइन प्रेस करूंगा, चिंदित री, फिशा, चिंदित, फिशा पे छोटी की मात्रा, चिंदित, साइज, ऋषि, ऋषि, लाइन जी, साइज, लाइन जी। अब री की मात्रा का प्रयोग करेंगे, मैं कृपा टाइप करूंगा, चिंदित, का, इस पर री की मात्रा, चिंदित री, इक्वल साइन को बिना शिफ्ट प्रेस करना है, फिर पा, चिंदित, पापे बड़ा की मात्रा, चिंदित, साइज, कृपा, कृपा, देखिए कृपा, लाइन जी, साइज, लाइन जी। अब आता है ए, मैं स्वर के रूप में लिखूंगा एक, ए, चिंदित, ए, फिर का, चिंदित, साइज, देखिए एक, एक, एक हो गया, तो, ए, तो, साइज, लाइन जी, साइज, लाइन जी। अब मात्रा के रूप में मैं लिखूंगा केला, चिंदित, का पे ए की मात्रा, चिंदित, ए, फिर ला, चिंदित, ला पे बड़ा की मात्रा, चिंदित, आ, साइज, केला, केला, देखिए लाइन जी, साइज, लाइन जी। ओके, ए हो गया। अब आता है ओ, सॉरी ओ, साइज, लाइन जी। स्वर के रूप में
मैं लिखूंगा ओम, तो ओ लिखा, ओ, फिर मा, ओम, ओम, लाइन जी, टेस, लाइन जी, मात्रा के रूप में कोना, का पे बड़ा ओ की मात्रा, सॉरी ओ की मात्रा, फिर ना पे बड़ा की मात्रा, देखिए कोना, लाइन जी, हो गया। अगला आता है आओ, स्वर के रूप में मैं टाइप करता हूँ औरत, आओ, फिर रा, फिर ता, देखिए औरत, अब मात्रा के रूप में लाइन जी मैं टाइप करूंगा कौन, का, का पे औ की मात्रा, फिर ना, देखिए कौन, लाइन जी, कौन हो गया, ये हो गया आओ। एक हमारा रहता है ए, तो ए को स्वर के रूप में लाइन जी मैं टाइप करूंगा ए, फिर सा पे बड़ा की मात्रा, ऐसा, देखिए लाइन जी, लाइन जी, लाइन जी, मात्रा के रूप में ए का प्रयोग मैं पैसा टाइप करूंगा, पा, पापे ए की मात्रा, फिर सा पे बड़ा की मात्रा, पैसा, पैसा। इस तरीके से हम शब्दों में स्वर और मात्रा का प्रयोग हिंदी टाइपिंग के दौरान करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आया है। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।